Ad Astra. Stabilize! On the agenda. Come on, focus. We're way behind schedule. Solidify. No touching. Way behind schedule. Stabilize. Yahoo! Think you can get away? Let's play. Born of ice and frost. Brace yourself.
Solidify! Yahoo! Access denied. We're way behind schedule. Next on the agenda. We're way behind schedule. We're way behind schedule. Stabilize. No touching. Access denied. Stabilize. Order guide you. Thank you for thank you.
Solidify! Time for takeoff! Let's play! Gather! Born of ice and frost! Solidify! No touching! Born of ice and frost. Stabilize. Solidify!
next on the agenda? We're way behind schedule. Gather! Time for takeoff. Yahoo! Access denied. Stabilize. We're way behind. Schedule. Mm-hmm.
डाउनलोड करना। हेलो 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 हेलो। अबे तेरे को पता है क्रिस्पी वो विदिन नाम का बंदा था ना? अरे विदिन करके बंदा नहीं था, हम लोग के सर्वर ज्वाइन किया है, खेल रहा था वो उस मतलब चौमा ने मेरे को बोला था उसके 1,00,000 डायमंड्स थे जिसमें उसने 20,000 स्टार वॉर्स में उड़ाया था ऐसा करके। मैंने एकदम से आज नोटिफिकेशन मिला मेरे को मिल गए ग्रुप से कि विदिन ने डाला है कि ये बॉट एक्टिव होने वाला है, पब्लिक बॉट है ना वो हेल्पो का, वो अभी एक्टिव होने वाला है 5-6 दिन में। तो मैंने देखा ये विदिन और वो विदिन में प्रोफाइल देखता एक बार, तो मैंने ये विदिन और वो विदिन दो सेम ही है। वो पता उधर का लीड बॉट डेवलपर है, लीड बॉट डेवलपर होने का बहुत भयंकर फायदा है। मतलब चौमा कहां-कहां से उठा के लाता है लोगों को, वो डीएम स्क्वाड से ही, वो डीएम स्क्वाड में बैठा रहता है, वो लोग साथ ही खेलते पूरे टाइम। डीएम स्क्वाड की बहुत खतरनाक पावर है लगता है। और उसमें पता है उसने एल्पो बॉट पहले से ही डाला हुआ है स्क्वाड अकाउंट के। तो उसमें है क्या कहते हैं ऑफिशियल सर्वर पर है। अरे अभी वो पब्लिक सर्वर होने वाला है, पब्लिक बॉट होने वाला है अभी। हाँ पब्लिक बॉट पर अलग नाम से है एल्पो पब्लिक। अरे मैं बोल रहा हूँ वो विदिन है, उधर हेल्प बॉट पहले से ही डाला हुआ है। अरे वो अपने सर्वर में ही डाल सकते ना, अभी अपने सर्वर में डाल सकते 5-6 दिन में। अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस में है अभी वो। मैंने मैसेज किया कि कब आएगा, क्या होता है? अरे ML रिलेटेड तुम स्टैट्स देख सकते हो उससे, अगर कोई फेंकता है ना कि मैंने बस रैंक खेला एक हीरो से, उसका वो पूरा फेंका बाकी सब दिख जाता है, कितना रैंक, कितना क्लासिक, कितना कैसे विलेज बना सब के सब रास मिल जाएंगे। नहीं अभिषेक कहाँ, अभिषेक नहीं बोलता ना ये सब, तो कह रहे थे ना कि अरे 2 मैच ही खेला हूँ मैंने क्लासिक में, बाकी सब रहेंगे इसे विन रेट दिखाने के लिए वो ऐसे लोग का। और फिर खुद का विन रेट देख सकता है तू कितना प्रोग्रेस किया वो हीरो से। नहीं देख सकते ना हीरो का विन रेट क्लासिक का है कि नहीं। हाँ वो देख सकते हैं तेरे कौन से हीरो का कितना, अरे खेल दिखता है वे कितना क्लासिक कितना रैंक खेला तूने वो हीरो से, वो भी दिखता है। ऐसी की बात नहीं हो रही, बॉट के थ्रू ही बात हो रही है ना अभी पर। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि इन जनरल नहीं दिखता। नहीं नहीं इन जनरल नहीं देख सकते, इन जनरल नहीं okay. इन जनरल देखो बस पूरा टोटल मैचेस में तो इंडेट दिखता ना, वो बॉट ही फुल इन्वेस्टिगेट करता है अंदर अकाउंट के और दिख जाता है उस फुल ML का, मतलब डेटा भी उसके अंडर है, मतलब बॉट के पास एक्सेस है। सही है ऑफलाइन है और अमेरिका का बंदा है ना, अमेरिकन है सोया रहेगा अभी। अगर आएगा ऑनलाइन तो मैं भी बोल दूंगा अपने भी डाल दे टेस्ट करने के लिए। वो फीनिक्स से याद करना, फीनिक्स से खेलता है, फीनिक्स को बोलना पड़ेगा कोई क्लियर है तो। जेंशन खेल रहा है अभी यार भाई, डायरेक्ट डाउनलोड गेम की कोई साइट है क्या? मतलब टॉरेंट के बजाय डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
वो डोडे और फिडगल में रहते हैं ना, अगर टॉरेंट से डाउनलोड नहीं करना तो दूसरे डाउनलोड में था। क्या टॉरेंट किया था मैंने, वो स्पीड नहीं आने की बट अब आ गई 20 MB। मैं वो देख रहा हूँ दिल्ली केसेस वाला, दिल्ली में मर्डर कर रहा है कौन कर रहा था भाई है भाई। हाँ कुछ तो है पता नहीं नाम, दिल्ली क्राइम नहीं है उसका ना कुछ तो है, क्या बोल गया नाम उसमें क्या करता है वो एक मर्डर है तिहाड़ जेल के गेट पे ही मर्डर करके रख देता है सिर वीर काट के, और फिर लेटर वेटर लिखकर उनको ये करता है धमकी देता है कि तुम ढूंढो नहीं ढूंढोगे तो और मिलेंगे गिफ्ट से भाई भयंकर। बोलता है उसको एक साल में आठ आठ सात से आठ मर्डर करना ही पड़ता है तो पागल हो जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं एक साल में सात से आठ मर्डर। उसमें क्या बोला गया है ना, एक वो रहता ना तक वो साइकोलॉजिस्ट कोई तो एक्सपर्ट है एक आंटी, वो आंटी उसका लेटर देख के लिख कर रखता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ डैश करेगा तब जाके तुम पैदा हुए हो, ऐसे सब गाली लिख कर लगाता ना पुलिस वाले लोग के लिए। तो आंटी बोलती है इसके पेरेंटल इश्यूज रहेंगे करके इसने ऐसा सब लिखा है, नहीं तो उसको ऐसा सब लिखने नहीं होता, यहाँ पे लोग ऐसी गाली लिखते हैं तो सबके मम्मी डैडी का इश्यूज है क्या। ML कम्युनिटी में हर बंदा दूसरा बंदा गाली में वही लिखता है, सबका पेरेंटल इश्यूज है। मतलब देख रहा था तो हंसी आ रहा था। की पीटी चल रही है भाई, क्या कौन सा निकाल रहे हो पास हुआ कोशिश तो जा रही है F50 हारू मैं बागू निकले। इसमें लिखा है अभिषेक सॉल्व द एस्ट्रल पजल।
पर यहाँ पे कहीं पे भी प्रोजेक्शन नहीं आ रहा है कोई सा। कहाँ पे रहा स्क्रीन पर मैं देखता हूँ। देखो एक तुम्हारा प्रोजेक्शन रहता है, तुम्हारा मतलब एक थोड़ी सी इसमें रूफ टूटी होगी उसके बाहर होगा। दिखाना दिखाना स्क्रीन पर करो। ऊपर देखना जरा ऊपर ऊपर। उधर से इधर आया हूँ ऊपर कोई। अरे ये अपना, अरे अपने राइट में देखो ना, अपने राइट में, अरे ऊपर ही राइट में देखो ना रूफ जहाँ पे टूटी हुई है। हाँ वो देखो ऐसा बनाना। हाँ ऐसा ऐसा बनाना। For all the secrets to be told right here. दीवारों के सामने से मत घूमो, सेंटर में चलना। अरे ये तो हमारे गाइड आ गए। गाइड की बात नहीं है, मतलब वो सेंटर में जाना, स्टोरी जब चलती है ना मोना की, यहाँ वहाँ जब दीवार खा सकती है बहुत तेजी से आते हैं, बहुत बार दीवार में फंसोगे भी अगर वो चलता हूँ। हेलो रिश्ता। हाँ बोलो बोलो। आज का एपिसोड देखा? किसका? वन पीस। नहीं अच्छा है क्या? बहुत बढ़िया बना है, इतना दिनों के बाद एक ढंग का एपिसोड देखने मिला है। हाँ ना, इसके एक दो दिन से रुला रहे। अरे मुश्किल से डाल दिया मेरे फालतू का। हाँ ना, लास्ट पे लूफी का एक पंच लगता है, वो उससे थोड़ा अच्छा लगता है कि चल कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर उधर ही एंड हो जाता है। आज का अच्छा है, फाइटिंग सीन है बस। किसके किसके टू किसके अगेंस्ट है, नाम बता दो। स्पॉइलर नहीं देगा। अबे बंदे जो फाइट कर रहे हैं उसका नाम लूफी का ही है। लूफी का ही है, लूफी के ऊपर है। लूफी का है तो मतलब वही है ना, कार्डो वाला ही फाइट रहेगा और क्या। वो स्पॉइलर थोड़ी ना था, वो तो नॉर्मल। अरे स्पॉइलर नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं, फाइट आज लूफी का ही आ गया, एक्सपोर्ट नहीं आया जाना। तो हो मांगा पढ़ रखी है तूने? एक मिनट। हाँ क्या बोल रहे? वन पीस की मांगा पढ़ रखी है क्या? नहीं। ठीक ठीक, बस इतना पता है जॉय बॉय करके आएगा। जॉय बॉय ऐसा मत बताओ तुम लोग। नहीं ये तो इतना ज्यादा फैला था, चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो पूरा यूट्यूब में फैल गया था। नहीं मैं नहीं देखता ना यूट्यूब भाई।
YouTube, Facebook, जो भी मतलब है एनिमे का। मैं कुछ नहीं चलाता भाई, और बता तू, ना YouTube है ना Facebook है ना WhatsApp, और बता ना। तो हो गया फिर, अब Telegram में मैसेज करके बताऊंगा। क्यों बताना भाई, मजा आएगा। पर मिजोरम में कुछ तो एमएल का कुछ बड़ा इवेंट हुआ था भाई, मिजोरम में शायद। वो स्टार देखो, स्टार पीछे गया वो तो, वहाँ को जाओ, हो गया वो, देखो उसको फॉलो करो, वहाँ देखो, वहाँ हो गए ऊपर, देखो बता रहा होगा कहाँ जा रहे हो। जाना किधर है ये तो बता, ऊपर में हो गया, जाओ सीधा जाओ, सीधा जाओ, हो गया जाते रहो, खिड़कियां खोलेंगे। ये सही है भाई, इवेंट आए पहले ऑफ कर ले, खुद करने का सेटिस्फेक्शन मिल जाए और मेहनत भी ना करनी पड़े। ये मतलब सारे स्टोरीज में एक मोना का बढ़िया लगा मेरे को भाई, मैं तो एक भी स्टोरी फॉलो नहीं करता, बाद में अभिषेक से सुनूंगा बैठ के। खत्म हो गई क्या इसकी? नहीं अभी तो बता नहीं। ये कागज समर लव इज ओवर देखा है? हाँ नहीं भाई, उसमें है ना चीका कैरेक्टर नाम है, उसी का वॉइस एक्ट्रेस है इसमें मोना की, कितनी फेमस है ना वो, बेस्ट गर्ल है। मतलब वो देखा है कोमी, कौन सा कौन कोकी कोमी कांड कम्युनिकेट करती है इसमें? देखा है, कैसा है वो? बढ़िया है, मतलब उसका कास्टिंग स्टोरी सब बढ़िया सा बना रखा है। लिटरली तीन या चार बार तो मेरे साथ ऐसा हो गया, ये एनीप्लेक्स में देखता हूँ ना मैं तो, ये जिस टाइम एपिसोड आता है उस टाइम लोड नहीं हो पाती स्ट्रीम, इतना भर जाता है। नहीं तो वो देख लेगा ना, क्या बोलते हैं, पॉपुलैरिटी टेलीग्राम पे देखते हैं, टेलीग्राम में कहा, मतलब वो ऐसा वो सीधा उसमें चल जाता है, कुछ देर रुकना पड़ता है उसमें सीधा, टेलीग्राम में ढूंढने में टाइम लग जाता है। चिप्स पे जाओ वहाँ मार्क है, एक मिनट वाले चेस्ट भाई ले रहे हैं, कितने ज्यादा चेस्ट हैं भाई मोना वाले में, काजुआ या वेंटी होगा तो आराम से कलेक्ट कर सकते हो। काजुआ वेंटी की क्या जरूरत है? कुछ कुछ चेस्ट के लिए यहाँ क्या बोलते हैं वो करना पड़ेगा ना पजल जैसा, वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो। कितने क्या क्या बोल रहे हैं बाकी क्या करना? मैं ये देख रहा भाई, मेरे से कुछ बोल रहा था कोई? हो हेलो, ना वो चेस्ट वगैरह लेने के लिए ना मोना का जो डोमेन है। हाँ मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये है चेस्ट, ये चेस्ट अनडिस्कवर्ड कैसे भाई? मैंने तो लगभग सारे मैंने चेस्ट एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया, इसके लिए क्या बोलते हैं खत्म करोगे तो आइलैंड का शेप चेंज करने का आएगा। छह अभी मेरे बाकी हैं, छह कैसे बाकी हैं भाई? मेरी 73 की पिटी चल रही है।
मेरे छह चेस्ट रखने क्या ही मजाक चल रहा है। अच्छा है चेस्ट नीचे ही है, नीचे ही है बजाने के। इधर फिर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से डैमेज देखिए वो देख 33,000 है। आया का ई का भी इतना ही आता है, उससे भी ज्यादा आता पड़ा है। इतना मजा आता है देख के पैसा छोड़ो मर गया। किसका ईटो का? हां तो क्या करना है, ईटो का जैसे तुम अल्टीमेट में होगे ना तो उसका आ जाता है लगभग 100,000 के आसपास। यार कुछ नहीं करना, ये तो स्टार पजल यहाँ पे मैं चेस्ट ले चुका हूँ। ओ भाई क्या डायलॉग बोला भाई किसने? इतो ने हेलो फ्री मनी गुड बाय वर्किंग फॉर अ लिविंग। मैं चेस्ट वगैरह क्या ढूंढने में लगा, रोमेंस नहीं करना क्या? अरे यार तू तो चाहता है मैं चेस्ट ना ढूंढ लूं फिर बाद में तेरे को डील लूं, समझ रहा हूं मैं। तो हम तो क्या कर रहे हैं जाना ना वेस्टस, क्या करोगे ढूंढते हैं वेलकिन थी ले लो। क्या भाई कह रहा है कि चेस्ट क्या करोगे ढूंढ के वेलकिन से ही ले लो। नहीं भाई पैसे ही कमी है भाई लोगों को गेम दिलाना होता है, किसी को हार्ड डिस्क दिलानी होती है, पैसे की जरूरत पड़ती है बाद में। नहीं गेम दिलाना आता है तो भी पैसे डूब जाते। अरे तेरा आईपी की दिक्कत है यार, कोई बात नहीं। भाई लेकिन ये क्या ही बनाया भाई, ऐसा लगता है जैसे एकदम इसके ऊपर चल के जा सकते हैं। शर्ट शर्ट से पहले वो करो अनलॉक करो। हां अरे तो प्लीज 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 ये नहीं है, बाकी सारे ले लो, बाकी सारे निकाल लो आज। अच्छा निकालने के बाकी भाई, मैं तो एक दिन ही निकाल वो निकाल लो उनकी जरूरत पड़े। ये वाला कर लिया था तभी लिया होगा ऊपर वाला, मुझे राइट में और वाला दो। अच्छा ये इसके नीचे भी है, ये पानी हट गया, यही वाला फिर मेरा बचा होगा चेस्ट की लोकेशन। एक काम करो थोड़ा राइट को आओ, आई मीन लेफ्ट को आओ, थोड़ा लेफ्ट को चलो, इसको चाटो। रुक जा भाई एक मिनट, अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेफ्ट को हो जाओ थोड़ा ये। हाँ आप करो सिंपल, ये ऊपर वाले में उसको डालो जो नीचे में है, ये सेकंड लाइन में फर्स्ट वाला। नहीं 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 उसको नीचे डालना, सेकंड लाइन में जो फर्स्ट वाला वो नीचे डालेगा और ये जो लास्ट में है वो ऊपर में। लास्ट वाला सिलेक्ट करो, ऊपर वाला सिलेक्ट किया ना अभी, लास्ट वाला लास्ट वाला। और नीचे वाले में वो फर्स्ट राइट में बाहर क्रैक हो गया दीवार में, वहां देखो। अच्छा ये इजी वाला वही वही है। यहाँ से इस साइड से रुको रुको रुको, वहां जाओ उस कोने में जाओ।
दूसरे कोने में, दूसरे कोने में लास्ट। अरे तो रुक जा भाई, एक बात बताओ, यहाँ पे तो कोई कॉन्स्टेलेशन ही नहीं है नीचे वाले, तो उसमें मैं ऊपर कौन सा कॉन्स्टेलेशन बनाऊं भाई? कहाँ पे? ये मोना माले में दिखाओ, स्ट्रीम करो। ये लो, क्योंकि नीचे कोई कॉन्स्टेलेशन नहीं है। ये कहाँ पहुंच गए? मोना वाला जो है, कॉन्स्टेलेशन नीचे देखो कुछ भी नहीं, तो बनाऊं क्या? ये मेरे को ध्यान नहीं, ये मेरे को ध्यान नहीं है। उस तरफ कोई जाओ जहाँ पर लाइट आ रही है, वहाँ जाना नहीं, यहीं यहीं से कुछ करना है ना। लाइट तो इधर, ये देखो ये है, कॉन्स्टेलेशन तो दे रखा है, लेकिन अरे लेकिन कौन सा बनाना ये कैसे पता होगा भाई, क्योंकि नीचे थोड़ा ना कुछ दिया है, बस केवल इधर ही दिया है जो भी दिया है। वही जाओ जहाँ से आए थे, ये देखो यहाँ कुछ दिया। हिम्मत खड़ा नहीं, ऊपर खड़ा है। ये ऊपर देखो, अरे वहाँ नहीं, वहाँ कॉन्स्टेलेशन में, ये देखो ऊपर से नीचे। नहीं नहीं, वो तो चेंज कर सकते हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ कौन सा पोजीशन है इसको, ये तो चेंज हो जाएगा, चेंज है ना, चेंज करो। ये देखो ये चेंज नहीं हो रहा, इधर से करना पड़ेगा, बट चेंज क्यों नहीं हो रहा? अरे चेंज नहीं, बंद हो गया ये क्या? अब चेंज हुआ। ये देखो चेंज कहाँ हुआ, वही तो है भाई, ये ऐसा का है। ये देखो अब चेंज हुआ। एक काम करो, सेम इसी पैटर्न में यहाँ पर चलो, इसके अंदर, इसके अंदर। ये मैं खोज, ऐसा तो कुछ नहीं मिला था मुझे, अरे तो पहुंचा नहीं होगा वो कभी वहां से। ये फाइनल वाला है कि मोना के बाद? हाँ मोना के बाद वाला अभी किया नहीं मैंने, मोना का जो सारे कर लो मेरे ख्याल से, तब वो एक जहाँ पे पानी नहीं भरा होता अंदर, बिल्कुल बीच में वहाँ पे रास्ता खुल जाता है, फिर उसके अंदर से जो है यहाँ पे पहुँच जाते हैं। नहीं नहीं, हाँ वो पानी नीचे सिंक हो जाता ना, वो तो कर लिया, मोना का पूरा खत्म किया, मोना तो बाद वाला नहीं किया, तो मोना वाला ही तो है ये। ऐसा ध्यान नहीं आ रहा मेरे को क्या भाई, ये स्टार कैच करने वाला तो हो गया होगा ना? हाँ वो तो कंप्लीट, वो तो स्टोरी में रहता है ना, उसकी स्टोरी तो कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये कोई रास्ता दिखाता है, लेकिन वो तो रास्ता बस ऐसे ही है। ध्यान नहीं आ रहा यार, तो आना ही पड़ेगा मुझे, अभिषेक यार कैसे कर रहा है। हाँ भाई बता क्या करना। हाँ ये देखो इसमें इसको कैसे सॉल्व करना है, सामने देखो कौन सामने एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। और नीचे नीचे कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता इधर, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, एक मिनट ऐसे थोड़ा घूमते रहे मैं वो देखने से। ऊपर भी कुछ नहीं है और इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ने पे असेंड डिसेंड भी कुछ भी नहीं होता। ये सब क्या शो के लिए है क्या चीज? नहीं ये साइड में वो चेंज होता है ना, उसका वो कॉन्स्टेलेशन चेंज होता है इसमें से। अच्छा तो जिस पे चढ़ो ऊपर से कॉन्स्टेलेशन जो है बेसिकली जो मोना यूज करती है वो है ना? अब मुझे नहीं पता मोना, तो मेरे को एक बात बताना, जब लास्ट में स्टार फॉलो कर रहे हो तो फिर सीधा नीचे गिरते हो? नीचे गिरते हैं मतलब? मतलब ये बीच में स्टार फॉलो करते करते वो नीचे पर गिरते हो वहाँ से डायरेक्ट जमीन के सक्के, वो वाला? नहीं वो नहीं है, वो तो स्टोरी क्वेस्ट में था ना भाई, कितनी बार बोलूं मैं यार, अभी रुको तुमको मैं दिखा रहा हूँ। अभी छह मेरे चेस्ट जो है वो अनडिस्कवर्ड है।
ये देखो यहाँ यहाँ पे आए ठीक है, अब मैं बिल्कुल मिड में जाऊँगा। ये देखो यहाँ पे यहाँ से आके ये वाले डोमेन में जाऊँगा, इधर कोई चेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद डोमेन में जाने के बाद और इस घर में कोई चेस्ट नहीं मैंने देखा था। रीपर हाँ भाई क्रेडिट कार्ड लेते तो लाइफ टाइम फ्री होगा बोला था ना। अब मैं इसको मैं टेस्ट करूंगा, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। लाइफ टाइम फ्री क्या लाइफ टाइम फ्री वाला बाद में आ रहा है, छोटी का पार्ट नहीं है ये, कुछ और ही पजल है। ये देखो देखो ना यार ये लोग बोल रहे हैं बीच बीच में। अरे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड वही अप्लाई करना था ना मेरे को। देख ले देख क्या होता है, ये कुछ दूसरा पजल है। क्या बेनिफिट ज्यादा होता है इसमें, करना क्या है ये मैं पूछ रहा हूँ। इसमें किसमें बेनिफिट ज्यादा होता है? जिनमें चार्जेस लगते हैं उनमें बेनिफिट ज्यादा होता है, तो तू अपने पॉइंट सिस्टम और बेनिफिट के हिसाब से देख। मतलब मेरे कहने का मतलब है सिर्फ ये मत देख कि तेरे को फ्री मिल रहा है इसलिए तू वो ले ले, तू कॉस्ट टू बेनिफिट कैलकुलेट कर एक बार। वो आएगा तो उसमें डिटेल्स आएंगे ना वैसे। नहीं ऑनलाइन ऑलरेडी चेक करके उसके बाद ही अप्लाई कर। ये तो फ्री था ना, मैंने अप्लाई कर दिया, बाद में देख लेता अगर कुछ रहेगा तो। ये इसमें मैं तो ठीक है ये भी कर सकता है कि इसमें बस Amazon का वाउचर दिया गया है और कुछ नहीं ऐसा कुछ। Osmanthus वो मेरे इसके बेसिस में आएगा, मेरा अमाउंट कितना आता है ना उसके अंदर, who share the memory सैलरी अमाउंट कितना आता है उसके बेसिस में क्रेडिट कार्ड बनेगा। अच्छा नहीं तो तू ये क्या Amazon का क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं? नहीं HDFC बैंक का ये है पर Amazon के रिवॉर्ड्स मिलता है उसमें अभी के लिए। अच्छा और लाइफ टाइम फ्री था, मैंने बोला अप्लाई कर दो तो 3 दिन बचा था क्योंकि कुछ डालना नहीं है ना मेरे को, बस मेरा डेबिट कार्ड वेरीफाई करना है उसमें। सो इट इज वेयर मेनी थिंग्स कम टू सेटल। इसमें अभिषेक इसमें कॉन्फ्लेशन चेंज कैसे हो गया? अब वो चेंज कर देते हैं ना इन पे खड़े होड़ो के। अच्छा तू दबा एक एक बटन दबा मैं देखता हूँ। ये हो गया सेकंड वाला दबा। ठीक है या कुछ समझ में तो आ रहा है हो गया मतलब कुछ भी समझ क्या? नहीं आ रहा भाई वो खुद ही हो गया जो भी बना उसका। अभी मेरे 5 चेस्ट अभी भी बाकी हैं, मुझे देखना है कि मेरे 5 चेस्ट कौन कौन से बाकी हैं भाई। ये वाले मिगे में चले तो कभी आ जाएंगे मेन क्वेस्ट। तेरे क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? अभी तक कुछ आया नहीं है, वो HDFC वाले से आएगा। तूने अप्लाई किया है ना? रिगा पता नहीं क्लियर नहीं है, रिगालिया करके है। ठीक है नहीं वो अभी वो गोल्डन वाला आएगा या ब्लू वाला आएगा या लाइट ब्लू वाला आएगा? ब्लू नहीं रिगालिया क्रेडिट कार्ड ही देख रहा हूँ मैं तो बस। ओके फीस एंड चार्जेस देखता हूँ पहले। जॉइनिंग रिन्यूअल मेंबरशिप फी 2500 रुपए है। ठीक है रिगालिया फर्स्ट एलिजिबल से नहीं फीचर्स देखो। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है तेरे को 5,00,000 रुपए के पेंड पे 10,000 पॉइंट है। 8,00,000 के पेंट पे 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट है। ओके फॉरेन करेंसी मतलब नहीं है भाई। Osmanthus wine tastes the same as I remember, but where are those who share the memory? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots,
I have a few references. Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? पर क्रेडिट कार्ड ओवरस्पेंड मत करना वैसा। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है ना वो कैपिटलिस्ट वेपन है। फोर्थ डोर कौन सा है भाई? Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory?
Osmanthus wine tastes the same as I remember. Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while, so it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share? Hey, Rush Hour 3 देखी होगी ना सबने तो? Hello? New update. Oh, hawala se. Who are you? जब भी आता सुनने में मजा आता न्यू अपडेट क्या है कौन Osmanthus wine tastes the same as I remember.
Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Where are those who share the memory? अरे वन वन का क्या बोलते हैं जो मार्क्स लग रहे हैं ना वो हटा सकते हैं प्यूरिफाई स्पेल से आप प्यूरिफाई हो गया कोई भी इम्यून वाला Kaiser and Kaiserin. Thank you.
fixed on it. Gather! भाई रोस्ता हाँ बोलो क्राफ्ट खेलेगा? अरे पीसी का विंडोज उड़ गया, वो उसको रिपेयर करवाना है। कैसे मेरे को नहीं पता। कौन सा विंडोज उड़ गया? अरे वो जो वाला विंडोज नहीं है जिसमें एसडी कार्ड में डालता, वही तो दो दिन से कुछ पीसी नहीं खेल रहा हूँ मैं। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें? वो कुछ करप्ट हो गया, वो रिपेयर नहीं हो रहा। वो ऑटो रिपेयर भी डाला पर हो रहा नहीं, तो उसके लिए वो कुछ तो पेंड्राइव चाहिए, एक्सटर्नल पेंड्राइव क्या है उसमें पता नहीं, वो डाल के रिपेयर होगा, पता नहीं क्या होगा। आई तो खोल रहा है तो क्या बोल रहा है ये पूछ रहा है। वही है, could not repair ऐसा करके आ रहा है। लोड हो रहा है कि लोड भी नहीं हो रही विंडोज? लोड नहीं हो रहा डायरेक्टली। देख मेरा वो जो पहला वाला विंडोज है वो चल रहा है, मेरे को F12 दबा के विंडोज चेंज करना था, तो पता रहेगा ना। तो जब मैं दबा रहा हूं F12 दबा के तो रिपेयर नहीं कर पा रहा, तो वो उधर ही बता रहा है could not repair। तब ट्राई कर लिया पर हो रहा नहीं। क्या बात कर रहा था ना? हाँ तो आज शाम को आएगा, उसका पिकनिक था आज जो कंप्यूटर वाला था ना। ओ, हेलो, तो शाम आज शाम को आएगा शायद। ओके ओके, दो तीन दिन से वही चल रहा है इसलिए मैं नहीं खेल रहा था ना। निशु भी आया था याद है फ्राइडे को पूछने, तो वही इशू है। फ्राइडे को उसने मैसेज किया था पर इशू था, वही चल रहा नहीं था। More speed. खतरनाक। राफ्ट में फाइनल बॉस बैटल है मेरा आज, आज शाम को जैसे ये होगा ठीक तब मैं आता हूँ। ओ इसका ट्रेलर है जैशियल का। ओ हल्क भी है इसमें। रुकना पड़ता है मूवी का ही सोच रहा था सारा सीरीज दिया आराम को। अरे मैं तो देखते नहीं हूँ जब तक पूरी सीरीज नहीं रहती। अरे देखो हमें पता है पहला एपिसोड आ गया ठीक है, अंदर से गान में कीड़ा भी होता है कि यार देखने का मन है पर रुकना पड़ता है 1.5 महीने 6 एपिसोड निकलने के लिए, वो बहुत बुरा लगता है भाई। हाँ, लेकिन मैं रुकता हूँ भाई क्योंकि जब एक देख लो ना दोबारा तो और ज्यादा गुस्सा लगता है जब दूसरा एपिसोड नहीं होता। मेरा भी यही है, लोकी का मैंने रुकता हूँ पूरा जो है। मैंने लोकी का ना 15-20 मिनट देखा और उसके मन का बस कंप्लीट नहीं करूंगा इसको, नहीं तो बहुत जलेगी। आने के बाद एक्चुअली उसके एपिसोड काफी बड़े बड़े भी आ रहे थे और अच्छे आ रहे थे, तो उतना कुछ वो नहीं लग रहा था मुझे। मोर स्पीड रास्ता टेलीग्राम चेक कर।
अबे ये बता, वो लेडी हल पूरे टाइम हल्की रहती है क्या? नहीं, अभी सोते समय वो नॉर्मल हो जाती है। नहीं, कंट्रोल कर सकती है, देखना ट्रेलर में। शुरुआत में कंट्रोल करती है, बाद में फिर वो परमानेंटली चेंज हो जाती है। उसको एक्चुअल में सुपर ह्यूमन डिवीजन का ही लॉयर बना देते हैं ना, मतलब सुपर ह्यूमन या जो भी है। तो इसको गुस्से में आने की जरूरत नहीं है क्या हल्क बनने? नहीं, इसका कुछ, मेरे हिसाब से तो भाई इसका कुछ एक्सीडेंट होता है। कॉमिक्स में ऐसा ही है कि एक्सीडेंट होता है इसकी ब्रूस बैनर की बहन का, और वो मरने वाली होती है, तो ये उसको गामा अपना ब्लड डोनेट करता है, तो उसमें भी गामा वाला वो आ जाता है। वाकांडा का किंग वो बन जाता ना, वो दूसरा ट्राइब का लीडर। भाई वो भी तो बेकार है, ब्लैक पैंथर के ट्रेलर में भी हीरो दिखाया नहीं, कौन सा वो भी? और वो है वो दूसरे ट्राइब का लीडर, उनके पास जाते ना। हाँ, उसके पास जाते ना लास्ट में नहीं, बीच में आते ना उसको हेल्प मांगने, और वो करता है। पता नहीं ये तो वो है, क्या बोलते हैं, फैन गेस है। पर उसमें मजा नहीं आएगा जितना पहले है। वो अगर हीरो बनेगा तो इतना मजा नहीं है भाई, कोई नोन बनना चाहिए देखने वाले, तो वो रहेगा। वो इस पर तो नहीं बनाएंगे, मेरे को लग रहा है। वो है कि उसके पास ही रहता ना, वो ड्रग्सेड था पिछले वाले के लास्ट में। किलमॉन्गर भी हटा दे, नहीं तो उसको क्या पता बना दे कि भाई ये चेंज हुआ करके ना। माइकल बी जॉर्डन जो उसको बनाते कि ये थोड़ा भी चेंज हो गया इसको, तो वही हाँ तो चेंज हो थोड़ा सा, क्या पता वैसे ही। पर अभी तो अलग ही लग रहा है मुझे, बोरिंग ये मूवीज है क्या ये जो फेस वाई है? ऊपर सीरीज है, नीचे मूवीज है ना? किसमें? इसमें भेजू क्या ना? अच्छा है तो लोकी मार ब्लेड आ रहा है उसको, तो उसमें भी आना था ना, पर आया नहीं ना। वो क्या है वो मून वाला, मून नाइट में भी ब्लेड आना था ना? मैं मीडियो शो में डाला है देख। अरे पर मून नाइट में भी ब्लेड आना था ना, उसका वो आवाज आया था, पर उसको हुआ ही नहीं उसका। मून नाइट में कहाँ ब्लेड आना था? अरे मून नाइट नहीं, हाँ वो तो अभी तक रिलीज नहीं है, वो सॉल वाला था। मून नाइट तो रिलीज हो चुका है। अरे मून नाइट नहीं बोल रहा हूँ, तुम सुन तो ले पूरी बात, पहले बच्चे ने रुक जा भाई सुनने। वो स्वॉर्ड वाला आ गया, इसका आना था उसमें लेना मुझे। राइट, द मार्वल मल्टीवर्स सागा, ये क्या है? ये सीरीज है मूवीज है? अबे नहीं, कुछ कुछ सीरीज है, कुछ मूवीज है। फेज 5 का ये सीक्रेट ओवर क्या है? अरे कांग डायनेस्टी कर कुछ है ना, कुछ वो दिखा देंगे भाई पुराना का। अब उन्होंने मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस कर दिया भाई, तो भी कुछ भी कर सकते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। पर कांग डायनेस्टी क्या था उनको याद नहीं, कांग डायनेस्टी कुछ तो है वो। कॉमिक तो बताई है भाई, मल्टीवर्स बना चुके हैं, उन्हें टाइम लाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कॉमिक होता है उसको बना कुछ भी बना सकते हैं। मुझे तो सुप्रीम आयरन मैन देखने, वो भी तो सुप्रीम आयरन मैन के लिए लोग कह रहे कि टॉम क्रूज को बनाओ। हाँ मैंने भी वही सुना था। कहाँ बनाएंगे, पागल है क्या? टॉम क्रूज भाई तो टॉप गन मैवरिक के लिए उसको सुप्रीम आयरन मैन बस आएगा ना, वो परमानेंट कोई ना रोल प्ले करने वाला। सुप्रीम आयरन मैन तो सिर्फ कुछ कहीं शायद मैंने पढ़ा था कि क्या था, वो तो शायद इल्यूमिनाटी का भी हिस्सा है ना। वो कंपैरिजन तो वैसे भी होने ही वाला है, वो बहुत पावरफुल थी और वो सबसे हाईएस्ट पावर वाले फॉर्म में थी ना अपने। अरे भाई हाईएस्ट वाले फॉर्म में भी थी वो, रीड रिचर्ड स्मार्टेस्ट मैन, चूतियों को बताने की क्या जरूरत थी कि मुंह से मार देगा तेरे को।
चुप रहता। वो भी मैंने सुना है, वो भी मैंने देखा। मर जाती है फिर खाली झाटू अनाउंस कर रही है ऐसे मारे वैसे क्या बात है। टाइम कम करने के लिए इन लोगों ने किया था ताकि जल्दी जल्दी कैरेक्टर मर जाए और स्टोरी को आगे बढ़ाएं, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। इसके अगेंस्ट पर लोगों ने भी कुछ नहीं बोला ना, नहीं तो एक डायरेक्टर्स कट आ जाता था। एक ने कहा नहीं बोला भाई, कितना बोला है लोगों ने इसके बारे में। लाइनें तो पढ़ रही है भाई। अरे पर मूवी तो चला ना अच्छा, जैसे वो मार्वल क्या है भाई, तुम कितना गंदा बनाओगे तब भी वो चलेगा। अरे तो वही ना, वो नहीं चला था ना डीसी का, इसलिए तो उन लोगों ने डायरेक्टर्स कट ही निकालना पड़ा उनको। तो अभी इसका भी आ सकता है। इसका पर कितना क्रिटिसिज्म है, पर इतना भयंकर क्रिटिसिज्म नहीं है कि मूवी नहीं चला ना, मार्वल का है करके चला, तो वो लोग क्यों निकालेंगे इसका क्या? आगे बढ़ेंगे ना, इस चीज की बात चल रही थी भाई। अरे वो जो डीसी का नहीं था, उसको इतना क्रिटिसाइज किया था कि उनको निकालना ही पड़ा। स्नाइडर्स कट आया था ना, डायरेक्टर्स कट, इसका इतना ये चला, मतलब है क्रिटिसिज्म पर इतना चला कि इसको निकालना नहीं पड़ा। इसका क्या पता ये इसका अभी जो की बात कर तो लोग ने बोला भी नहीं है ना कि निकालेंगे डायरेक्टर्स का, कुछ बता रहे नहीं निकला। एक्सपेक्टेशन रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है। साला थॉर ने भी डिसअपॉइंट कर दिया। हाँ यार ये पता नहीं मार्वल लग रहा है भाई मूवी में पूरी तरीके से। Beg for mercy. Crush. ऐसा लग रहा है के बाद उनको कुछ अलग ही क्या नशे करके बना रहे मूवीज भाई। एवेंजर्स खत्म के चल रहा है ये। एवेंजर्स की जो कास्ट है थोड़े टाइम में इनके भी फेस खत्म हो रहे हैं। अगर इन्होंने कास्ट रिप्लेस करी तो फिर कोई नहीं देख रहा मूवी भाई। नई कास्ट अभी ये बेकार स्टोरी लाइन जो उन्होंने बनाया है। बना देना भाई, थोड़ी मेहनत करना मूवी बनाने में। क्या कास्ट का अंतर इतना चलेगा क्या इनका? क्या अभी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती भाई। कॉमिक कॉन के लीक्स दे रहे हैं, उधर टॉम क्रूज का वो कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि टॉम क्रूज आएगा, फलाना धमाका ये होगा, और फिर साला वो नोबड़ी आती है और सबको मार देती। कुछ भी होता है बिल्कुल। थोड़ा सा फाइट और मतलब भले चलो मार देती वो लास्ट में, लेकिन थोड़ी फाइट और चलनी चाहिए थी भाई। उन सब में सिर्फ पेगी कार्टर है जो कि थोड़ी बहुत लड़ी और उसको भी कितने गंदे तरीके से मारवाया। तो भाई या तो फिर आप ये जो आपने वो निकाला था क्या एनिमेटेड सीरीज थी ना, क्या नाम था इसका, वॉट इफ हाँ, या तो आप वॉट इफ में इतनी हाइट नहीं क्रिएट करवाते कि ये लोग दुनिया को बचा रहे हैं और फिर वहाँ पे जाके आप उसे मरवा देते हो। और क्या, उन लोगों ने विजन तो सोचे लड़ाई कर ली, विजन जिसके पास 6 की क्यों इंफिनिटी स्टोन थे, और यहाँ पर वो वांडा की लड़ाई का जिसके पास 1 भी इंफिनिटी स्टोन नहीं है। दूसरी चीज मतलब क्रिकेट में अगर देखो ना तो वो क्या कहते हैं, अरे कभी मैच की पढ़ाई छोड़ के डायरेक्टर की पढ़ाई करेगा, नया वो ही निकालेगा। मिस्टर फैंटास्टिक देखो भाई, वो बहुत ओपी कैरेक्टर है भाई वो, और उसको मतलब वो ऐसे ही मर गया, ऐसे ही 1 सेकंड के अंदर मरा भाई। मैच में कुछ नहीं रखा है, डायरेक्टर बन जा, नया मार्वल तो ही निकाल, भले हिंदी में हो देखने आएंगे हम, टेंशन मत लेना। अब भाई ऑडियंस मतलब आप, मैं तो एक चीज ये बोल रहा हूँ कि आप ऑडियंस को देख रहे हो, आप दो दो पार्ट में निकाल रहे हो मूवी, ठीक है, तो भी ऑडियंस देखने आ रही है, तो दो दो पार्ट में निकाल रहे हो, ज्यादा अच्छा है। हाँ, आप 3 घंटे 3.5 घंटे की मूवी निकालोगे तो भी जो फैंस हैं भाई वही तो देखने जा रहे हैं वैसे भी थिएटर में, तो वो तो देख लेंगे। उनके लिए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि बैटमैन ने कमाई नहीं करी, बैटमैन ने भी कमाई करी ना, कितनी स्लो मूवी है वो, लेकिन भाई जो हार्डकोर फैंस हैं वो सब गए देखने, बैठ के देखते रहे क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, बट अच्छे म्यूजिक है, स्लो चल रही है, अभी वो लोग वही फॉलो कर रहे हैं। अभी क्या नाम है उसका, वो एक्टर का, हिंदी एक्टर का, सलमान खान के फैन से करके उसके बस फैंस देखने आते मूवी तो चल जाती है मूवी कैसे भी हो। सलमान खान के फैंस की आदर है अपने आप को लेके आ रहे उधर के लोग भाई इतने हैं कि बस मूवी उसके नाम पे चलती है, मूवी भले ही टक्की हो अंदर।
वही टट्टी से उड़ रहा क्या वो टट्टी की तो होती है आई वही तो मतलब मैंने कैसे चल रहे पता एक तो क्योंकि सलमान खान के नाम पे ठीक है तो मतलब अगर उसकी एक्टिंग भी लोग नहीं देखेंगे ना कि बेकार है तो जो सपोर्टिंग कास्ट है वो तगड़े उठाता है यार कभी रणदीप हुड्डा है कभी गैंग है सपोर्टिंग कास्ट वाह ये भी उसमें चलो देखने चलते उसकी एक्टिंग अच्छी थी भाई अरे ये बताओ एमएल कोई खेलेगा मेरा पार्किंग में होता घर वाले शॉपिंग कर रहे हैं क्या घर वाले शॉपिंग कर रहे थे तुम क्यों नहीं खेलो मैं नहीं खेलता भाई मैं कार में बैठा हूँ और क्यों भी आ जाएंगे तुम्हारे लिए मेरे को जमता ही नहीं है भाई मम्मी मम्मी बहनों बहनों के साथ शॉपिंग जाना फोने चलाता हूँ बोले उसमें तो इंटरेस्ट आया थोड़ा उतर जाने से पूरा वो जो लटका हुआ रहता है कपड़ा जो नीचे रहता है सब देखेंगे छोड़ेंगे नहीं एक भी कपड़ा लेना तो एक दो है तो देख के और फायदा जो पसंद है ले लो और रहते भी हो तो फुल लड़कियों के स्टोर होते लड़कों को कुछ रहता ही नहीं उधर रहेगा तो कोने में एक रहेगा छोटा सा जिसमें हम देखेंगे एक शर्ट एक पैंट एक चड्डी और जूते का एक रैक रहता है बस वो भी नॉर्मल वाले कुछ इसे इंटरेस्ट वाले नहीं कुछ देखने के लिए भाई मैं तो कह रहा था घर वाले कह रहे थे पिताजी कह रहे हैं आज हम बस मैंने कहा नहीं नहीं कर क्यों करेगा बैठ के मैंने कहा बार करता हूँ एक साल से अरे ले लो इसको कुछ ले जाता होगा सभी दोस्तों के साथ मेरे घर पे सामान आता है भाई मतलब कच्चा बनियान चड्डी तक सब अमेजोन वाले दे के जाते चड्डिया तो ले आएगा इधर से मैंने कहा नहीं अमेजोन जिंदाबाद कपड़े के मामले में तो मैं तो बेकार ही हूँ ज्यादा खरीदता ही नहीं कपड़े मेरे को अरे देखना नहीं आता फैशन सेंस नहीं है भाई मेरे को बिल्कुल भी मेरे को कोई चीज मेरे को लगता है ठीक दिख रहा है तो मैं और देखूंगा पहले देखूंगा कि कौन सा कपड़ा है उधर ये है अंदर सीधा उठा लूंगा भले वो रिंकल हो कुछ करता नहीं ये दो लौंडे खड़े हैं इनसे गाड़ी नहीं लगाई जा रही भाई पार्किंग में लगा के लेकर बोलो वैले पार्किंग है 500 ले लो नहीं लगा था दूसरों गाड़ी अरे पूरा बहुत दूर से वैसे चलती मेरी गाड़ी एक दो की गाड़ी में घुसोगे भयंकर घुसा ही नहीं जाता उनका बिल्कुल सीट जो है उसका बैकरेस्ट और स्टीयरिंग छाती पे घुसता है एकदम मैं सोचू आगे कैसे चलाते हैं भाई ये लोग नहीं होती भाई दूसरी गाड़ी में जस्ट और कुछ गाड़ी है तो गवर्नमेंट की गाड़ी है कुछ आगे लाल में क्या लिखा है पता नहीं इतनी अच्छी हिंदी तो मेरी भी नहीं है राजस्व प्रशासन इसका मतलब जो भी होता होगा कुछ है कुछ राज प्रश्न है उसको पूछने के लिए किधर के हो तुम से पूछ रहे हो अभिषेक अभिषेक कहाँ से रहने वाले अभिषेक अभिषेक इधर का है रे अरे माँ कसम 1,30,000 80,000 ये बेड में सब कुछ है क्या क्या नहीं है स्मार्ट बेड भाई मेरा एक गोल है पता सब देखो तो ना कि ये चीज सही है लाइफ में तो वो मेरे को भी चाहिए उससे तो स्मार्ट बेड नहीं वैसे मेरे को भी चाहिए भाई मेरा ये तो फिट ही नहीं होगा मेरे रूम में mm-hmm.
फीचर्स लिखना चाहिए ना स्मार्ट वर्ड में क्या क्या है, कुछ लिखा ही नहीं भाई। पोस्ट योर क्वेश्चन ऑल डिटेल्स मिल गया। अरे 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 बाप रे, क्या क्या नहीं है। नेक मसाजर, ब्लूटूथ स्पीकर, यूएसबी पोर्ट, लैपटॉप, टेबल, मल्टी स्टोरेज एंड मेनी फीचर्स। स्मार्ट बेड। कैंसर के लिए इतने ऐड आ रहे हैं ना अजीब अजीब से भाई। If you ever YouTube प्रीमियम खत्म हो गया ना, ऐसे कैंसर दिखा रहे हैं भाई। गुड ओशिवारा Zoom, zoom. इंडियन प्रेडेटर। हाँ ये देख रहा हूँ, इंडियन प्रेडेटर। किधर गए? यू का कोई नया सीजन नहीं आया ना अभी? किसका? यू। ये क्या? यू यू सीरीज है ना ये, मैंने देखी नहीं लेकिन मैंने नाम। ब्लैक एडम का भी एक और ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। देख ले उसे, अच्छा है। सॉलिडिफाई। Wake up, say sorry for me. Wake up, say sorry for me. Wow. Black Adam में इन्होंने Dr. Fate भी introduce करवा दिया DC में। Nice. Dr. Fate। ये कौन है Dr. Strange का alternate? Dr. Strange समझ लो, बस दूसरा वाला बंदा है। DC का Dr. Strange समझ लो। दोनों में वही similar type पहनता है, वो helmet helmet पहनता है। हाँ, yellow helmet वाला। एनीमे में तो कोई नहीं दिखता है उसका, क्रॉस जैसा कुछ साइन होता है उसके पास। डॉक्टर फेट स्टेबलाइज। कौन है पता नहीं डॉक्टर फेट। हां वही डॉक्टर चेंज ही है, बस चेंज है, और एक्सपीरियंस चेंज है। डीसी का है? हां डीसी का। डीसी कैरेक्टर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है, फिर मार्वल वाले को सुधार के बदल देता है। ये वो रहता है क्या, सुप्रीम सोल रहती है ना कोई। किसी एक की बॉडी वो लेती है हॉस्टेज, और कोई छोड़ता नहीं है। इस उसमें दिखाया है Can't catch me. Can't catch me. Gather. Oh.
o'clock. Nice. She-Hulk. Can't catch me. Black Adam कब आएगा रे? October 21. Solidify. October. Advance. अरे अभी कुछ बात में बचे हैं जो 4-5 महीने उसी भी है चीजें करता रहे. I know people need. अरे चार दिन में आएगा रे अभिषेक रोबोट. अरे अपना हम लोग के सर्वर में होता है वो ज्वाइन हुआ है. अच्छा रेजिडेंट इविल की नई मूवी कब आएगी भाई पता है? आज गई है क्या? कब आएगी पूछ रहे या फिर आ गई बता रहे? नहीं पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि उसकी वो नया उसका आ गया था ना ये क्या कहते हैं वेलकम टू रैकून सिटी वाला. कुछ तो आया था रेजिडेंट इविल का मैंने आज कल ही देखा. अच्छी अच्छी मूवी थी मतलब वो पुराने वाले जैसी मूवी नहीं थी एकदम एक्शन पैक्ड बिल्कुल वैसे टाइप की नहीं थी. सीरीज है ना इसका? सीरीज तो है 8 एपिसोड वाला. नहीं नहीं मूवी की बात कर रहा हूँ मूवी की. उसमें वो तुम्हारा मेन कैरेक्टर फॉलो होता है जो तुम्हारा रेजिडेंट इविल गेम्स में नहीं होता है लियो वो तुम्हारा उसमें फॉलो होता है. चार दिन में डाल देंगे अपन बहुत. Another test solidify. आ गई थी तो आ गई मेरी ख्याल से 20 नवंबर 21 की आ रखी पिछले साल नवंबर की. वो तो पता है मुझे पहली मूवी आज की मैं दूसरी मूवी की बात कर रहा हूं. क्या नाम है उसको कुछ? अरे वो पहली मूवी वो है ना रेजिडेंट इविल वेलकम टू रैकून सिटी. उसके उसके बाद वाली मूवी कब आ रही है मैं पूछा था किसी को पता हो उसके बारे में. अरे मैं इधर चेक किया रेजिडेंट इविल. अरे तूने वो रेजिडेंट इविल का गेम खेल लिया अभिषेक को? नहीं नहीं वेलकम टू रैकून सिटी तो आ ही चुका है वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ. उसके अलावा जो उसका उसका भी सेकंड पार्ट तो आएगा ना भाई फ्यूचर में क्योंकि वो अच्छी. अच्छा अच्छा और मैं क्या बोल रहा हूँ सेकंड पार्ट का मतलब क्या होता है भाई? मैंने तो पहला पार्ट ही देखा तो मेरे को पता भी नहीं कि उसके दो पार्ट हैं. दो नहीं है वही तो बोल रहा हूँ मैं कि उसका सेकंड कब आएगा. अरे भाई क्या भाई अभी कह रहा है सेकंड पार्ट कब आएगा फिर कह रहा है दो नहीं है भाई. हाँ तो जब दो नहीं है तभी तो सेकंड आएगा ना. जब दो होते तो क्यों सेकंड आएगा? दो होते तो क्यों सेकंड आएगा मतलब? और क्या अगर भाई अगर दो ऑलरेडी है तो तीसरा आएगा ना तो सेकंड क्यों आएगा? जब एक होगा तभी तो दूसरा आएगा. सेकंड पार्ट आ रहा है उसका लेकिन यही तो मैं बोल रहा था और क्या बोल रहा हूँ. तो वही तो मैं कब आएगा वही तो पूछ रहा हूँ. अगर मान लो किसी को पता हो तभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई तुम बताओ ही बताओ नहीं पता है तब भी बताओ. नहीं मेरे को तो 80 का पता था मैं तो वही बता रही हूँ बस. अभी क्या है इसमें क्योंकि मेरे ख्याल से मूवी को रिव्यूज तो काफी अच्छे ही मिले हैं तो सेकंड पार्ट आएगा जो है अब देखो कब आता है पता नहीं. सीगा ये बोदान क्वानी में वाग लगाई चूम चूम बूम टूम. ये ऑनलाइन चिकन देख ये इंटरनेट पे चिकन देखते हैं तो जूसी जूसी का. घर घर में खाते आप बनाते तो भी इतना नॉर्मली लगता है. This realm is twin twin ऐसा तो खाना बस देखने के लिए होना चाहिए अच्छा दिखता है. अभी कंफर्म है वैसे आएगी वो बट अभी उसका कुछ वैसे लीक्स नहीं अभी तक. कंफर्म तो हो गई कंफर्म तो हो जाएगी वो अच्छी अच्छी मूवी है तो कंफर्म हो ही जाएगी.
नहीं घटिया दो कोडिंग एवेंजर्स एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम आने वाला है। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम कैसे आएगा भाई? डॉक्टर डूम कैसे आएगा? मिस्टर डूम आ सकता है मार्वल वाला। डूम को डूम का डीसी का है क्या? अरे नहीं सॉरी हां 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 मार्वल का, मार्वल का, मार्वल का भाई। फैंटास्टिक फोर ने नहीं मार दिया आपको? भूल गया? याद है, याद है। आएगा डॉक्टर वांडू आना चाहिए भाई, बहुत मस्त विलन रहेगा पता। वो भी आना चाहिए बॉस, बॉस लॉजिक करके बदला वो नीति का पोस्टर। वो खुद से बनाता है वैसे, पक्का नहीं रहता, अच्छा बनाता है पोस्टर।